दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में अफेयर की खबरें बहुत आती हैं, किसी भी एक्टर को लेकर हो या किसी एक्ट्रेस को लेकर हो, खबरें अलग अलग तरह से आती रहती हैं। कभी इस एक्टर को लेकर, कभी इस एक्ट्रेस के साथ, तो कभी इस एक्टर का उस एक्ट्रेस के साथ, मतलब कि ऐसे बहुत से खबरें आती रहती हैं जो कि किसी न किसी एक्टर के साथ कोई ना कोई एक्ट्रेस जुड़ी होती है। आज हम आपको इस वीडियो में मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बताने वाले हैं कि मिथुन चक्रवर्ती को कितनी एक्ट्रेस थी जो कि पसंद करती थी, और मिथुन चक्रवर्ती का सबसे बड़ा अफेयर ज़्यादा टाइम तक किसके साथ चला। जी हाँ, इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। चलिए आपको बताते हैं मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर्स के बारे में, कुछ अफेयर्स के बारे में। श्रीदेवी का मिथुन चक्रवर्ती के साथ काफ़ी लंबे समय तक अफेयर रहा। श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात उस समय हुई जब फिल्म जाग उठा इंसान आ रही थी। इस फिल्म में पहली बार श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती को एक साथ कास्ट किया गया था, और इन दोनों की मुलाकात इसी सेट के दौरान हुई, और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने प्यार की बत्ती जला दी थी और श्रीदेवी के साथ कई साल तक अफेयर की चर्चाओं में बने रहे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि श्रीदेवी से मिथुन दा ने शादी भी कर ली थी। इस बात में कितनी सच्चाई है हालांकि ये तो पता नहीं है, पर खबरों में यही दिखाया जाता है कि श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की गुपचुप शादी हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती को आयशा जुल्का भी काफ़ी पसंद करती थी। 90 के टाइम में जब आयशा जुल्का ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी, तब उनकी फिल्में बहुत सी मिथुन चक्रवर्ती के साथ आई थी, और खबरें आने लगी थी कि आयशा जुल्का मिथुन चक्रवर्ती को पसंद करती हैं, और ये भी खबर आने लगी थी कि मिथुन चक्रवर्ती भी कहीं ना कहीं आयशा को चाहते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी खबरें आती रहती हैं, पर जो खबरें आई हुई हैं, जो उड़ी हुई हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आयशा को लेकर भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ अफेयर की खबरें चली। श्रीदेवी के साथ तो चलो उनका टॉप पर रहा, साथ ही पद्मनी कोल्हापुरी जो कि इनके साथ कई सारी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, इनको भी लेकर मिथुन चक्रवर्ती की खबरें चलती रही कि इनके साथ भी इनका अफेयर रहा। अब इस बात में भी कितनी सच्चाई है ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, पर खबरों के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती बहुत सारी एक्ट्रेस को डेट कर चुके हैं, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती उस समय एक ब्रिलियंट एक्टर थे जिन्हें एक्ट्रेस और एक्टर दोनों पसंद करते थे। जहाँ एक्ट्रेसों को प्यार हो जाता था तो वहीं एक्टर उन्हें अपना दोस्त बना लेते थे, और मिथुन चक्रवर्ती दिल के काफ़ी साफ हैं, क्योंकि उनकी फिल्में में जो भी कोई एक्टर आता था काम मांगने के लिए, वो उन्हें फिल्मों में काम दे दिया करते थे। आपने देखा भी होगा मिथुन चक्रवर्ती की कई सारी फिल्मों में, उनकी फिल्मों में नए नए एक्टर नए नए एक्ट्रेस बहुत हुआ करती थी, और यही वजह है कि मिथुन को चाहने भी लगते थे सब। खबरें लेकिन निकल जाती हैं जिसके चलते हीरो और हीरोइन दोनों बदनाम हो जाते हैं, पर खबरों में सच्चाई कितनी रहती है ये क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सब उसे खुद जाके सामने नहीं देखते हैं, बस खाली सोशल साइट की खबरों के मुताबिक ही आप सबको जानकारी दे पाते हैं। तो फिलहाल सोशल साइट पर मिथुन चक्रवर्ती की इन सभी एक्टरों के साथ कई दिनों तक अफेयर की खबरें चली हैं।